छत्तीसगढ़ सरकार के आरक्षण बढ़ाने के फैसले का कई लोगों ने स्वागत किया है तो कई लोगों ने नाराजगी जाहिर की है। गरीबी रेखा के नीचे वाले लोगों का कहना है कि आरक्षण का फायदा उन्हें मिलता ही नहीं है क्योंकि उनका वक्त खाने पीने का इंतजाम करने में ही कट जाता है और पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो वहीं कुछ लोगों का मानना है कि सरकार ने जनता का कुछ अच्छा सोचकर यह फैसला लिया है और कुछ लोग इसे नगरीय निकाय चुनाव का स्टंट बता रहे हैं। जो है गरीबी सब जीवन यापन करने वाला मतलब कोई आरक्षण नहीं है न कहीं कोई सुविधा नहीं, ये सब चुनाव जीते के प्रक्रिया है। ओकर से हम लोग कुछ फायदा नहीं मिलेगा कि छोटे छोटे परिवार के बाल बच्चे उनको ज्यादा पढ़े लिखे रहे नहीं तो ओकर से हम लोग का फायदा होता। ये तो पहले से 32% था, इसको कम करके 29 कर दिया गया था, उसके बाद फिर 32 कर दिया गया, मतलब यथावत जैसा था वैसा रा के रख दिया गया। तो इससे तो एसटी, मैं जो कि एसटी हूँ तो मेरे को तो ऐसा कुछ लगता नहीं है कि कुछ फायदा हुआ है विशेष करके। और बाकी आरक्षण दिया गया है ओबीसी कोटा को तो सरकार द्वारा कुछ सोच समझ के ही दिया गया होगा, तो सरकार के इस फैसले का स्वागत कर छत्तीसगढ़ में हम